हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों देखो, इसके पहले हमने स्वर स्टार्ट किया है। अभी आमिताशी बतावा था पाठ एक स्वर कौन कौन थे, अ पासून उ पर्यंत आते हे स्वर शिकायचे। त्यापैकी आपण एक एक स्वर दररोज घेतले आहे ना, उसमें से हम एक एक स्वर एक एक दिन पढ़ते जा रहे। और उसमें हम क्या क्या पढ़ रहे, काय काय शिकत आहोत मी त्यामध्ये, त्यामध्ये स्वर कोणता आहे, त्या स्वरासी रिलेटेड अपन चित्र, यानी हम जो स्वर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड पिक्चर भी पढ़ रहे हैं। फिर उसकी रीडिंग, उसका पठन कैसे करेंगे, त्याचे अपन वाचन कसे करूया, म्हणजे वाचन हे अपन शिकलो। तर अपन आता सर्वप्रथम कोणकोण अपन किती स्वर बघितले, अ नंतर आ ई लहान छोटी है ना, आणि आता लहानी नंतर काय येणार मोठी, अ आ ई, ये तीन स्वर हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों। इसमें इसके पठन और इससे रिलेटेड पिक्चर्स और इससे बनने वाले थ्री वर्ड्स, तीन शब्द हम पढ़े थे, हमने अपने कॉपी में लिखा है। और अब इसका पठन, आता या स्वरांचा आपण वाचन सुद्धा बघूया, तर परत एकदा हे आपण रिपीट करून घेऊया यांचं वाचन, आणि मग आज आपलं ई मोठी हा स्वर यावर आधारित शुरू करूया। तर चला, अ अ कशाचं शिकलो होतं आपण मुलांना, सांगा बताइए, अ कशाचा, यस अ अननसाचा शिकलो ना आपण, अ अननसाचा। नंतर आ कशाचा, आ आईचा, आ आईचा, असं आपण यांचं वाचन करतो ना, हे वाचन आहे। अ अननसाचा, आ आईचा, ई इमारतीचा, ई इमारतीचा, आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघूया मोठी, आपण पढेंगे आज मोठी ई। आता मोठी ईचं वाचन कसं, आता मोठी ईसाठी आपण हे आपण शिकलो, हे हमने पढ़ा है, बस हम ये जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए कि हमने क्या पढ़ा है ये दोहराया है हमने। आज हम पढ़ेंगे बड़ी ई, हमें आज शिकू मोठी, तो ये आप अशा प्रकार शिकलो। आता बच्चों देखिए, मैंने आप बोर्ड के ऊपर एक पिक्चर ड्रॉ किया है, एक चित्र बनाया है ना, किस चीज का है आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना। इसके नीचे क्या लिखा है मैंने, ई ड लिंबू, यानी ई बड़ी ई से बनने वाला शब्द, मोठी ई पासून तयार होणारा शब्द आहे हा ई पासून इडलिंबू, ई पासून काय इडलिंबू। अब इडलिंबू म्हणजे काय, इडलिंबू म्हणजे इथे बघा मी लिहिले एल ई एम ओ एन लेमन, इडलिंबू म्हणजे काय लेमन, और लेमन को हम क्या कहते हैं नींबू कहते हैं ना, तर इडलिंबू म्हणजे लिंबू। इट जर आपण काढलं तर फक्त कोणता शब्द वाचतो लिंबू, आणि आपण याला मराठीमध्ये लिंबू सुद्धा म्हणतो। लेमन देखा ना आपने, जो पहले कच्चा होता है तो ग्रीन कलर का होता है और जब वो पक जाता है तो वह येलो कलर का हो जाता है, आधी तो हिरवा असतो आणि पिकल्यानंतर त्याचा रंग पिवळा होतो ना। तर हा काय आहे इडलिंबू। तर आज आपण मोठी ई पासून शिकूया, आज हम बड़ी ई से पढ़ेंगे ई इडलिंबू, ई पासून काय इडलिंबू। आता याचे वाचन कसं करू मग, इसका इसे हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों, आपको याद है ना हमने अ आ और छोटी इनका भी पठन मैंने अभी अभी आपको बताया, और आपको मैंने बताया था कि जब हम हिंदी में पठन करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो उस वर्ड के एन में हम क्या लगाते हैं, का लगाते हैं, पढ़ा था ना। और मराठी में लिखते हैं, मराठी में पढ़ते हैं तो क्या लगाएंगे हम, चा, मराठी में क्या लगाऊंगे याला चा। तर मग आपण लिहूया इधर ई मोठी ई, अर्थात मोठी शिकलो, मोठी ई पासून इथं इडलिंबू हा शब्द तयार झालेला आहे ना, बड़ी ई से इडलिंबू हा शब्द हुआ है। तो अब हम इसका पठन कैसे करेंगे, याचे वाचन कसे करू मग, यस याचे वाचन आपण करू ई इडलिंबूचा, वाचून आपण अशा प्रकारे अ अननसाचा, आ आईचा, ई इमारतीचा, लहान ई इमारतीचा, आणि मोठी ई ई इडलिंबूचा। तर आपण याचं वाचन लिहूया ई इडलिंबूचा, काय वाचूया, मोठीचं ई इडलिंबूचा वाचायचं असं।
चला आपण इथे लिहूया ई इडलिंबूचा, ई इडलिंबूचा इडलिंबू तिथे फक्त लिहिले आहे, आता याला आपण नाव शेवटी चार। अब इसको हमें चार इंक लगाना है और हो गया ई इडलिंबूचा। तो याचं वाचन आपण अशा प्रकारे करू, अ अननसाचा, आ आईचा, ई इमारतीचा आणि मोठी ई ई इडलिंबूचा। अशा प्रकारे हाच आपला चौथा स्वर आहे ना। इस तरीके से हमारे आज ये चार स्वर हो गए, अ आ ई ई। ठीक है, पार्ट एक ही चल रहा है, पार्ट एक चालत है। पार्ट एक मध्ये आपल्याला सहा स्वर शिकायचे, अ आ ई ई ऊ आणि ऊ, त्यापैकी हा आपला चौथा स्वर आहे। तर आता अ आ ई ई ऊ, त्यापैकी मोठी ई पासून ई इडलिंबू। इडलिंबू याने होता है निंबू। इडलिंबू सारखे ई या स्वरापासून आणखी शब्द तयार होतात ना। ई से और भी शब्द बन सकते, क्योंकि हमने अ आ और ई इन स्वरों से भी काफी सारे शब्द बनाए। यानी उस शब्द की शुरुआत किससे होनी चाहिए, जो स्वर हम दे रहे हैं, जो स्वर आपण शिकत आहोत त्या स्वरापासून त्या शब्दाची शुरुआत व्हायला पाहिजे, आहे की नाही। जसं ई इडलिंबूचा, आणखी काय घेऊ शकतो आपण ई पासून, ई पासून ई इडलिंबूचा, नंतर ई पासून ई ईदचा, ई पासून ईद हा शब्द सुद्धा तयार होतो, है ना। एक फेस्टिवल है, एक हा सुद्धा एक काय आहे, सण आहे फेस्टिवल। ई ईदचा, ई ईशान्यचा, ई ईशान्य, ईशान्य, ईशान्य हे काय आहे, ईशान्य हा एक क्या है, दिशा है। ई काय आहे, एक दिशा है। ठीक है, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे हम पढ़ते हैं। अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी आप पढ़ोगे आगे, उसमें से ईशान्य यहाँ भी एक क्या है, यहाँ भी एक दिशा है, ये एक दिशा आहे। तो अच्छे प्रकार इस तरीके से हम काफी सारे नाम, किसी का नाम भी स्टार्ट होता है ई से, है ना। जैसे किसी का नाम ईशा होता है, किसका नाम ईशिता होता है, ऐसे काफी सारे नाम होते हैं जो ई से स्टार्ट होते हैं। आप भी पढ़ रहे हो, आप में से भी किसी का नाम ई से स्टार्ट हुआ होगा, किसी का नाम अ से स्टार्ट हुआ होगा, किसी का आ से, है ना। काफी सारे अलग अलग वर्णों से अलग अलग नाम स्टार्ट होते। तो हमने आज ई इडलिंबू, ई पासून इडलिंबू हा शब्द तयार झाला, आणि आता आपण काय करायचं, ई घेऊया, ई ई आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी, आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो।
होगा और आपको समझ में भी आएगा। समझ लो तुम्हारा काय करायचं लिहिता नी वाचन करायचं नेहमी वाचतानी लिहिताना आपण वाचन करायचं। जेव्हा आपण वाचू तब ते देखो जब बच्चों हम लिखते हैं ना तो लिखने के समय अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमारी एक साथ दो दो एक्टिविटीज हो जाती है ना, एक तो राइटिंग और दूसरी रीडिंग होती है ना, है डबल फायदा। तो हमेशा आपको याद रखना है जब भी आप वर्ड लिखोगे कुछ भी लिखोगे तो लिखते समय बोल बोल के लिखोगे तो आपको वो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगी। ओके कसं लिहायचं वाचन करून करून। तर आज आपण मग मुलांना कोणता स्वर शिकलो? यस आज आपण शिकलो स्वर मोठी ई। शिकलो ना मोठी मोठी ई या स्वरापासून तयार होणारा शब्द कोणता? इडलिंगू। ई इडलिंगू। आता मोठी ई याचं वाचन आपण कसं करूया? वाचन वाचन म्हणजे हे कसं वाचूया? ई इडलिंगूचा, अ अननसाचा, आ आईचा, ई इमारतीचा आणि मोठी ई ई इडलिंगूचा। अशा प्रकारे आपण अ आ आणि ई इस तरीके से हमने अ आ ई ई इन चार स्वरों के साथ इनसे बनने वाले शब्द भी पढ़े और आपको इन तीन शब्दों को कॉपी में लिखना है। ओके अब बच्चों नेक्स्ट स्वर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैंने जितना आपको पढ़ाया है उतना आपको पूरा याद करना है। आतापर्यंत आपण जे शिकलो ते संपूर्णपणे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आणि पाठांतर करायचे। ओके तोपर्यंत बाय स्टूडेंट्स।